युवराज के मरने का रीजन क्या है? किसने मारा उसे? बेला जी। बेला? वो कैसे? वो तो इनसेंट। इनसेंट लगती है मुझे शायद। एग्जैक्टली मुझे आपके मुंह से यही सुनना था कि बेला जी इनोसेंट है। मुझे भी यही लगता है। तो फिर एक और बात सुन लीजिए, ये लड़का खुद को समझता क्या है? बेला और मेरे बीच में रुकावट बन के बैठा है। अगर बेला ने मुझे कसम नहीं दी होती ना कि मुझे मासूमों को नहीं मरना है, तो सबसे पहले इसी को खत्म करती। आप जब से आई हैं आपने पानी तक नहीं पिया है। मैं पानी लेके आती। नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे बेला, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं लेके आती। बैठो, तुम हाथ दो अपना। 2 मिनट में सब पता चल जाएगा। 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड में तुम्हारी जान चली जाएगी मेरे जहर से, और वही मैं नहीं चाहती। क्या सोच रही बेला, हाथ बढ़ाओ ना। मा, आई डोंट वांट दिस। व्हाट डू मीन आई डोंट वांट दिस? क्या हुआ बेला, तुम भी पानी पी लो। शुक्रिया बेटा। और चाहिए? थैंक्स। कैन वी हरी अप? आंटी, आप जल्दी चेक करके बताइए ना कि कितने बच्चे होने वाले। हाँ बेटा, हाथ दिखाओ। नाड़ी देख के 2 मिनट में पता चल जाएगा। हाथ बढ़ाओ। एक्चुअली ये सब मुझे नहीं करवाना है, मेरा इस सब में यकीन नहीं है। क्या कह रही हो बेटा? बेटा ये कोई अंधविश्वास नहीं है। क्या इट्स साइंस, इसमें विश्वास ना करने वाली कौन सी बात है? बस मुझे 1 मिनट लगेगा तुम्हारी नाड़ी देख के सब बताने में। मैंने कह दिया नहीं मतलब नहीं। This is it. जो तुम सबसे छुपा रही थी, अब वो किसी से नहीं छुपेगा बेला। प्रेग्नेंट होना तो दूर की बात, तुम इंसान ही नहीं हो, और अब ये बात सब जान जाएंगे। बेला, इससे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या? क्योंकि माँ, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। एक सिंपल सी बात है कि मुझे ये सब नहीं करवाना, तो इसमें जबरदस्ती क्या है? लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है बेटा। I understand, लेकिन कुछ चीजों को लेकर मैं सुपरस्टिशियस हूँ। आप लोग इतनी बात नहीं समझ सकते। सॉरी, लेकिन ये सब नहीं करवाना मुझे। बेला, बेला गुस्सा क्यों हो रही है? बात सुनो बेटा। बहुत अजीब है आपकी बहू। नहीं क्या, आई मीन रियली आंटी, इतना क्या डरना? ऐसे लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही है। अरे अब वो कह रही है ना कुछ चीजों को लेके सुपरस्टिशियस है, तो जाने दो अन्नू। पर आंटी ऐसा तो नहीं है ना कि आप उस पे कोई जादू टोना करवा रही है या उसके बच्चे का जेंडर चेक करवा रही है। आई मीन कुछ नहीं तो आपका दिल रखने के लिए कर लेती। दिल गया भाड़ में, दिमाग खराब हो गया उसका। तुम ठीक करियो अन्नू, बेला कुछ छुपा रही है। आप पता नहीं क्यों एक नाड़ी चेक करने की बात पे इतनी नर्वस हो गई। लाइक ऐसा कुछ नहीं है आंटी। ऐसा ही है, मैं कह रहा हूँ तुमसे, बेला कुछ छुपा रही है। आई एम श्योर ऑफ इट नाउ। मुझे शक्ति को बोले ना मेरे मकसद को पूरा करने के। जल्दी कर बेला, बहुत कम वक्त बचा, देर मत कर। जो मेडिसिन मंगवाई थी वही है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, बेबी के लिए सेफ है, यू कैन हैव इट।
आपके पति को निस्वार्थ होकर आपके लिए कुछ करना है, कुछ ऐसा जिसमें वो खुद से आपको आगे रखे और कुछ ऐसा करे जिस काम में वो सिर्फ आपका भला सोचे, अपना नहीं। तुम्हारे लिए है। एक्चुअली मैंने बुक में पढ़ा था कुछ टाइम बाद यू विल बी नीडिंग दिस। थोड़े टाइम के बाद तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी। जब मैं मोटी हो जाऊंगी। नहीं, फिट आएगा मतलब कंफर्टेबल होगा। जब मैं मोटी हो जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम ग्लो करोगी ना, तुम अभी भी ग्लो करती हो। एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी। Why are you always so nice to me? मैं आपसे इतना बुरा बिहेव करती हूँ, मैं गंदे तरीके से बात करती हूँ, स्नैप करती हूँ, चिढ़ जाती हूँ, आपका दिल तक दुखा देती हूँ, फिर भी आप इतने अच्छे से क्यों रहते हैं मेरे साथ? Because I know Bella, कि तुम जो भी कुछ कर रही हो उसके पीछे तुम्हारे पास reasons हैं। Respect that. सच कहूँ तो honestly मुझे तुम पे कभी गुस्सा नहीं आता, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ बिला कि मैं मेक श्योर करूँ कि तुम खुश रहो। तुम्हें सब ठीक लगना चाहिए। मतलब सच कहूँ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ बिला, तुम्हारी खुशी के लिए एक्टिंग बनी थी। और अगर माहिर ने अपना प्यार या परवाह दिखाने के लिए मुझे छुआ तो जहर का असर उस पे भी हो जाएगा, वो भी मारा जाएगा, और उससे हमें क्या? आखिर आप भी तो माहिर को मारने के लिए ही आई है ना यहाँ पर, यही तो मकसद था आपका। नागमणि मिलने के साथ साथ अगर आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा तो इसमें बुराई ही क्या है? मर जाने दीजिए उस लड़के को। तो जैसे आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी। I'm so sorry for everything. सॉरी क्यों? मतलब आप मुझसे नाराज नहीं है? वो तो मैं कभी भी नहीं हुआ बेटा। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो, ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम बोलो क्या चाहिए। होल्ड मी, बस एक बार होल्ड कर सकते हैं प्लीज? बेला हुआ क्या, तुम परेशान क्यों हो? I'm sorry. मैं ये करना नहीं चाहती थी और मुझे करना पड़ा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। Suddenly? I'm sorry. रो क्यों रही हो? Are you okay?
क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे बताओ ना बेला, मैं ठीक कर दूंगा। तुम्हें कुछ दर्द तो नहीं हो रहा किसी तरीके का पेट प्रॉब्लम? बेला मैंने वो बुक में पढ़ा था। आई नो, पता मुझे, आई मीन थैंक्स। यानी मैंने इसे नहीं मारा, वो बस मेरा एक ख्याल था। Are you okay, Bila? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? I'm fine. क्यों नहीं मार पा रही हूं इस माहिर को जिसने मेरे प्यार को मारा था? तुम बेला से, बेला जी कहकर तमीज से बात करो, और अगर बेला कह रही है कि उसने कुछ नहीं देखा तो चुपचाप मान लो, क्योंकि बेला झूठ नहीं बोलते। इज दैट क्लियर? वैसे बेला, यूं ही जुड़ा जरूर था ये रिश्ता, लेकिन निभ यूं ही नहीं रहा। वरना जब मैंने तुम्हें कहा था कि तोड़ दो ये शादी, तो तुम उस मौके को नहीं छोड़ती, तुम तोड़ देती। लेकिन तुमने ये तुम्हारे नाम की शादी नहीं तोड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बीच में कुछ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं। रोही बेटा, आगे से तुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा। जब तू नागरानी बनेगी तब इस नागमणि की रक्षा करना। कल विशेष चंद्र ग्रहण है, वो भी लगभग 3 घंटे की लंबी अवधि के लिए, और इसी अवधि के बीच आपको नागमणि खोजनी होगी नागरानी, वरना हम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। छोड़िए मुझे छोड़िए माहिर जी, समझिए, छूइए मत मुझे प्लीज, मुझे छोड़िए। शट अप बेला, प्लीज डोंट। मैं तुम्हारी चीख सुन के अंदर तक आया हूँ। अरे मैं अगर इधर अंदर नहीं आता तो तुम गिर जाती, तुम्हें चोट आ जाती। आ जाती तो आ जाती, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि चोट सिर्फ तुम्हें नहीं आती, उस नन्ही सी जान को भी आती, और मैं ऐसा होने नहीं देता। मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूं बेला। माहिर जी, बात खत्म नहीं हुई है मेरी। जानते हो, तुमसे मिलने से पहले मैं चेहरे देख के इंसान पहचान लेता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद बेला तुम्हारे चेहरे इतने हैं कि मैं थक गया हूं। मैं खुद को भूल गया हूं। क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? क्या हो क्या रहा है? मैंने किया क्या? गलती क्या है मेरी, बताओ ना मुझे। बेला शर्मा, मैं पति हूं तुम्हारा, फिर भी मेरा पास आना, नजदीक आना, तुम्हें हाथ लगाना तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? क्यों तुम्हें नफरत है इतनी बेला? तुम्हें मुझे बताना होगा, अपनाने की कोई वजह नहीं है ना? ठीक है, ठुकराने की तो होगी, कम से कम वो बता दो, कुछ तो बताओ बेला, आज सब सुनूंगा मैं। मुझे आपको जो सुनाना था मैं आपको सुना चुकी हूँ, इससे ज्यादा मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहती। अब छोड़िए मुझे। क्या हुआ, डर लग रहा है? डर रही हो कि तुम्हारी असलियत सामने ना आ जाए? बेला अगर आ भी गया ना तो तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा, दुनिया के सामने तुम जो चाहो वो दिखाओ, कम से कम मुझे तो सच्चाई बता दो। बेला जब इस शादी को तुम दिल से नहीं मानती तो दुनिया के सामने क्यों मान रही हो? बताओ मुझे बेला, कोई मजबूरी है?
इसके पीछे की मजबूरी अगर तुम्हारे पापा का कर्ज है बेला, तो मैं बहुत पहले चुका चुका हूँ। जब तुम्हारी और युवी की शादी हो रही थी ना, तभी चुका दिया था, सिर्फ इसलिए कि जब तुम इस घर में हो तो नजरें उठा के आओ, सिर उठा के आओ, झुका के नहीं। मैं चाहता था तुम एक कॉन्फिडेंट बहू की तरह इस घर में रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, ये सोच के ना रहो कि मेरे पापा पे कर्ज है और मैं उनकी बेटी हूँ। बेला, मैं जो कर सकता हूँ तुम्हारे लिए हमेशा करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम इसे क्यों नहीं अपना पा रही हो? क्या किया मैंने, गलती क्या मेरी? आज मैं सब सुनूंगा, मुझे बताओ, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, बताओ ना मुझे। जब मेरा नाम सुनने से तुम्हें इतनी नफरत है बेला, तो मेरे नाम का मंगलसूत्र क्यों पहना? क्यों लगाया ये मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, तो क्यों परवाह तुम्हें शादी की? यू हेट मी राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप दिल के बहुत अच्छे। इसलिए तुम मेरे साथ दिमाग के गेम खेल रही हो बेला, क्योंकि मैं दिल का अच्छा हूँ, ये गलती है मेरी। ऐसा कुछ नहीं, इज इट दैट आई डोंट नो। यू डोंट नो? यस यू डोंट नो बेला, यू डोंट नो, दैट्स व्हाई कीप क्वाइट, जस्ट शांत रहो। माही जी। बेला, आई सेड क्वाइट, कितना बोलती हो तुम? माही जी। बेला, आई सेड क्वाइट, चुप, कितना बोलती हो तुम? और एक बार भी ये बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि मैं अपने आप को अच्छा क्यों बताने की कोशिश करता हूँ। बेला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही हूँ, सबके सामने वैसे ही हूँ, तुम्हारे सामने और सबके सामने भी। आई एम व्हाट आई एम, हु आई एम इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और अगर इतने दिनों में भी तुम मुझे नहीं समझ पाई ना बेला, तो तुम मुझे नहीं समझ सकती, तुम नहीं समझ सकती मुझे बेला। स्टॉप इंसल्टिंग मी। मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये सोच के हैरान होती हूँ कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है जब सामने वाला उसके साथ इतना बुरा हो, कैसे कोई इतना अच्छा हो सकता है? अरे मैं तो पत्थर का बना हुआ हूँ ना, मैं तो इंसान हूँ ही नहीं, मेरा दिल पत्थर का है, मेरा तो एक ही काम है, मैं दूसरों का दिल तोड़ता हूँ, बस यही है ना। ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है बेला, ये प्रॉब्लम मेरी है, क्योंकि मैं बदलती दुनिया के साथ बदल नहीं पाता, जिसे चाहता हूँ जैसे चाहता हूँ पूरे मन से चाहता हूँ, आधा अधूरा कुछ नहीं करता मैं, ये मेरी प्रॉब्लम है। और ये भी कि मैं उन लड़कियों को समझ ही नहीं पाता जो लड़कों को सो कॉल्ड अच्छा इंसान बनाने के लिए उनसे लड़ती हैं, उनसे अलग अपनी एक पहचान बनाने के लिए उनसे लड़ती हैं। और जब उन लड़कियों को उनकी ये सारी चीजें पूरी करने वाला एक अच्छा लड़का मिल जाता है, तो उससे भी लड़ती हैं, और इस बार बेवजह। क्यों मिला? देखने तो बेला, ट्विस्ट हो गए, थोड़ा सा दर्द होगा, वन एक सेकंड, टू। बेटा सॉरी, इट्स ओके बेला, जस्ट स्क्रैच, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हो रहा है एग्जैक्टली? तुम एलर्जिक हो किसी चीज से, बताओ ना बेला, आर यू एलर्जिक टू समथिंग? तुम मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, या थक गई हो मेरी बातों से? मैं थक गई। ओह रियली? लुक एट यू, तुम अभी मुझसे कुछ शेयर नहीं करना चाहते बेला, तुम्हारे अंदर अकड़ तो है ही, लेकिन ये बॉडी का अकड़ना ठीक नहीं, समझ रही हो? मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, वेट। नहीं माहिर सर, प्लीज सर, डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं, आप समझिए। It's too late, बेला, क्या बोल रही हो exactly? बेला, तुम सब क्या हो रहे हो? बेला, डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा, इज नो ऑप्शन, मैं डॉक्टर को बुलाने जाऊं। नहीं, मुझे मेरी बात देखिए माहिर जी, I'm really sorry, माफ कर दीजिए, मैं नहीं चाहती थी कि सब ऐसा हो, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो सकता मतलब बेला, सब कुछ हो सकता है, अभी भी वक्त है बेला, सब बदल सकता है, सिर्फ तुम्हें सोचने की जरूरत है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैं जानता हूँ कि तुम यूवी को अभी तक दिल से नहीं निकाल पाई, मैं जानता हूँ कि प्रेग्नेंट हो तुम, उसका बच्चा है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेला, पहला प्यार इतनी आसानी से नहीं भुलाया जाता, राइट? इट्स ओके।
बच्चे से जुड़ी सारी चीजें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ मेरी अपनी है। वो बच्चा मैं अपने बच्चे की तरह हमेशा रखूंगा। बेला, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या? आई एम ब्लीडिंग। ओके बेला, स्क्रैच है, मर नहीं जाऊंगा मैं। मर ही रहे हो माहिर, तुम्हें नहीं पता मेरा जहर असर कर रहा है तुम पे। मैं डॉक्टर को बुला। नहीं, मुझे जिस हालत में किसी के सामने नहीं जाना है, मेरे लिए साड़ी लेकर आइए। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है ना माहिर जी। मैंने कहा ना मेरे लिए साड़ी लेकर आइए। एक सेकंड माहिर, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना बेला, मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिसमें तुम ना चाहो, जिसमें तुम अनकंफर्टेबल हो। आप अपनी मर्जी क्यों चला रहे हो? मैं आपसे कह रही हूँ ना, बस एक साड़ी ला दीजिए मुझे। मैं ला दूंगा। कम 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 इज, क्या हो गया तुम? अब तुम यही बैठोगी, हिलोगी नहीं। मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन सिर्फ साड़ी से काम थोड़ी चलेगा। बेला, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, ठीक। किसने कहा था इतनी रात को आने के? बीमार हो जाती, बुखार हो जाता। ये लोग कपड़े लेके आओ, पहन लो। आओ, उठो। आराम से, आराम से, आराम से। बेला, I'm sorry। तुमसे नहीं, माया को बुला के ले। नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है माहिर जी, प्लीज honestly, मैं कर लूंगी। चेंज कर। अब जाए। मैं यहीं हूँ। बेला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। I'll be here only, you change। मैं नहीं देख रहा हूँ। एक मिनट। हाँ मैं कर, एक सेकेंड ना, मैं कर सकता हूँ। छोड़ो, मैं नहीं देख रहा हूँ बेला, रिलैक्स। ठीक है, अभी आप जाइए, मैं बाकी कर लूंगी। बेला, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे, मैं बाथरूम से तुम्हें इसलिए नहीं बचा के लेके आया कि यहाँ पे आके तुम गिर जाओ। आप समझिए, मैं कर लूंगी, आप जाइए। बेला, इफ यू कैन ट्रस्ट मी इट्स ओके, इफ यू कांट कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ऑलराइट, चेंज कर लो तुम, मैं देख नहीं रहा हूँ, रिलैक्स। मैंने कहा था ना। अरे माहिर जी, मुझे दो, ये मुझे दो। नहीं माहिर जी, प्लीज। बेला, मैं यहाँ पे तुम्हारा फायदा उठाने के लिए नहीं आया। ये बात सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम कुछ भी सोच सकती हो। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम और बीबी दोनों में से कोई भी एक बीमार हो, और मैं कोई तुम्हारी नजर में अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम व्हाट आई एम। आई नो, आप क्या है? दो मुझे, इट्स ओके। Thank you.
बेला तुम रो क्यों रही हो? मतलब मैं पहली बार साड़ी पहना रहा था इसलिए मैं बोल रहा था ना किसी को बुला लो। मैंने कुछ नहीं। तुम एग्जैक्टली रो क्यों रही हो? मेरे साड़ी पहनाने की वजह से या मेरे गुस्से की वजह से? मैं दोनों के लिए सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। प्लीज रो मत बेला। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माहिर जी, प्लीज। I'm really sorry. ओह, तो ये है। चोट पहुंचा के धीरे धीरे बदला निकाल लिया है, अभी कुछ बचा है मुझे मारने में? ऐसे मारना चाहती हो बेला? नहीं जा सकता था बेला, तुम बीमार थी। अपनों को छोड़ के कोई ऐसे जाता है क्या? मुझे क्या हो रहा है? डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट कब है? ट्यूसडे को मॉम। अच्छा, मैं भी चलूंगी। हाँ मित्तल, बोल। क्या माहिर ने फोन नहीं किया? I told him to call you up. अरे नहीं यार, माहिर कैलेस नहीं है, जस्ट शादी हो गई है, थोड़ा तो इंसान बदलेगा ना। मेरे माहिर के बारे में ऐसे मत कहो एंडी, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। हाँ, और मैं अपने आरजू के अगेंस्ट डैड। ओके ओके, रिलैक्स। सुन लिया भाई, फोन रख, तू मुझे मरवाने वाला है। जानता है ना, माहिर के बारे में सुन कुछ गलत नहीं सुन सकती। ओके,
और अगर गलती से उसको कुछ हो गया ना, अरे यार जल्दी करो, हमें कहीं पहुंचना है और पहले ही लेट हो चुके हैं, जल्दी कीजिए। बस सर हो गया, एक मिनट और लगेगा। सर प्लीज आप हिली डुलिए मत। आपको कुछ सुनाई दिया? सरसराहट की आवाज, ध्यान से सुनिए। नहीं तो कैमरा फिक्स हो गया सर। ठीक है फिर आप चलिए। थैंक यू, जाइए। दे अब तैयार हो जाइए बेला जी, भले ही हम आपको अपनी जेल में कैद नहीं कर पाए, अपने इस कैमरे में कैद कर लूंगा और फिर पता करेंगे कि आप चीज क्या है। ये तो हाथ धो के बेला के पीछे पड़ गया। बेला कॉल क्यों नहीं आंसर कर रही? माहिर जी, माहिर जी, माहिर जी, माहिर। घड़ी का स्ट्रैप इसे ठीक कर लीजिए ना प्लीज। ग्रहण शुरू हो गया, मुझे नागमणि ढूंढनी होगी। पर माहिर, भगवान वो ठीक हो। माहिर, यस मॉम, मैं अभी फोन कर रहा हूं एम्बुलेंस के लिए। माहिर के लिए? नहीं, मैंने सच में माहिर को मार दिया। नहीं नहीं, नहीं।
मॉम, मैंने कॉल कर दिया है, एम्बुलेंस निकल गई वहां से। What's wrong with my son? क्या हुआ ऐसे? ये माहिर भैया की वेंस नीली क्यों पड़ती जा रही हैं? भैया आंखें खोलो ना प्लीज। प्लीज आंखें खोलो। डॉक्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं? इससे पहले मेरा माहिर कभी बेहोश नहीं हुआ। क्या हुआ उसे? कुछ तो बोलो। इनकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल लो होता जा रहा है। What? पूरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। लेकिन क्यों? जहर की वजह से। जहर? जहर? माहिर के शरीर में जहर कहां से आए? और मेरा बेटा ना कोई ड्रग्स देता है ना कोई एडिक्शन है। How is this possible? कहीं उस बेला की वजह से तो नहीं हुआ है? कहां वो? देखिए फिलहाल पेशेंट की कंडीशन देख के मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इनकी जान को खतरा है और आई थिंक इनको बचाना बहुत मुश्किल है। ये क्या कह रहे? कुछ करो। ये क्यों कह रहे हैं डॉक्टर? सैंडी कुछ करो ना। डॉक्टर कुछ तो कीजिए, कोई दवा कोई इंजेक्शन कुछ तो दीजिए। देखिए अगर आप इन्हें बचाना चाहते हैं तो इन्हें फौरन आईसीयू में एडमिट कीजिए। आरजे। यस मैम। हम एम्बुलेंस का वेट नहीं करेंगे, गाड़ी निकालो, हम अभी के अभी जाएंगे। यस 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 मैम। माहिर आके खोल। माहिर कुछ तो बोल। आरजे माहिर आके खोल ना बेटा। मार दिया माहिर को। कॉल आंसर किया। अच्छा मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि तुम्हें अपना बदला पूरा करने में और मुश्किल आ सकती है। वो वहां माहिर मर गया। माहिर कैसे? किसने? कब? मैंने मार दिया माहिर को। बेला हेलो